हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी समय हो गया होगा 9:30 के करीबन और सारा काम वगैरह हो गया। सुबह से ब्लॉगिंग नहीं शूट कर पाए हैं क्योंकि सुबह अभी जैसे कि हम कल का ब्लॉग में बता दिए हैं कि बुआ लोग का स्कूल छुट्टी रहता है तो फिर काम भी थोड़ा कम रहता है सुबह, और आलतू फालतू काम था ज़्यादा रहता है इस वजह से। जैसे कि आज देख सकते हैं आप लोग, बद्दी खा रहे हैं अभी। इधर भी गेहूँ है, इधर भी गेहूँ है और इधर भी गेहूँ है, यानी कि सारा गेहूँ धो के हम समाप्त कर दिए हैं और ये सब सूख जाएगा तो फिर भर देंगे। तो इस वजह से सुबह से ब्लॉगिंग हम शूट नहीं कर पाए हैं। और आज नाश्ते में बना हुआ था प्याजी, जो कि हम लोग बनाएं और खाएं। अभी कुछ भी मतलब प्याजी और मूढ़ी, तो क्या है ना कि काम तो होता है बट काम के लिए नहीं होता है, कुछ आलतू फालतू होता है। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर दिए हैं कपड़ा तो कपड़ा निकाल लेते हैं क्योंकि कपड़े वाश हो रहे हैं। इधर रखा है उनके पापा का सामान और अभी तक कपड़ा वाश ही नहीं हुआ है। डाले थे कपड़े तो अभी तक वाश नहीं हुआ है, काफ़ी देर हो गया है, स्नान करने का ही समय डाले थे। चलते हैं नीचे, जब होगा तब आएंगे और फिर कपड़े को लेके जाएंगे। और अभी खाने का कोई तैयारी नहीं, बाबू लोग को भूख भी लग गया है तो उन लोग को बना के दे देंगे कुछ खाना। इसके बाद फिर कंटिन्यू रहेंगे ब्लॉग में आप लोगों के साथ, तो देखते हैं क्या करते हैं।
इस तरह गर्मी में चलेगा, मतलब ज़्यादा फिटिंग नहीं है, तो फिर भी सोच रहे थे करवा लें, लेकिन नहीं करवाएंगे, इसी तरह पहन लेंगे। और अभी हम बना लेंगे। और बुआ लोग को इधर लग गया था भूख, खाना मतलब भूख क्या, तभी में ही दूध दिए थे, और अभी तो तभी ही बोल रहा था दूध दे दो, बट हम देने भूल गए थे, तो हम बोल रहे थे थोड़ा सा ये बना लेते हैं फिर दूध देंगे। और इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बस पकौड़ी बनना है और पकौड़ी बन जाएगा, फिर उसमें रस में डाल देंगे तो हो जाएगा। तो इस वजह से हम सोचे क्या कि ये बना लेंगे, इसके बाद फिर बुआ लोग को दे देंगे। लेकिन उन लोग को भूख सच में लग गया था, क्योंकि आजकल समय बहुत बड़ा कर रहा है और सब चीज़ इधर उधर हो सकता है, पर खाना पीना समय पे देना चाहिए बच्चे लोग को। और बड़ा वाला बेटा कुछ भी नहीं खाता, मतलब कुछ भी देने के बाद भी नहीं खाता है, उसका तो अलग टेंशन बना रहता है, शरीर इतना ख़राब दिखता है, बट क्या ही कर सकते हैं, नहीं खाता है तो उसमें ज़्यादा जिद भी नहीं, कुछ खिलाए ना तो उल्टी करना शुरू कर देता है, और ऐसा क्यों करता है हमको समझ में नहीं आता है। हल्का फुल्का खाएगा मन नहीं होगा, और ज़बरदस्ती जहाँ खिलाए ना उल्टी एक बार नहीं बहुत ज़्यादा करने लगता है, इस वजह से उसको हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं खाने के लिए। तो फिर यहाँ पे जब पकौड़ी बन गया तो फिर हम इसमें हल्का सा तेल डाले, और तेल डाल लेने के बाद उसमें मिर्च और जीरे, आपके पास अजवाइन है हींग है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालिए, हम थोड़ा सा डालें हल्का सा टेस्ट के लिए हल्का सा सिर्फ इसमें लाना चाहिए तो डाले हैं। और बस उसमें आप पकौड़ी भी डाल दीजिएगा, बट ना मेरा दिमाग से उतर ही गया था कि पकौड़ी भी डालना है, तो हम छोड़ दिए और लास्ट में डालें ना, तो पकौड़ी तो बाद में हो गया, उसको थोड़ा सा और देर से रखना पड़ा, हो गया, लेकिन अभी ही डालना चाहिए था पकौड़ी। और इसको मध्यम आँच यानी कि बिल्कुल भी धीरे आँच करके, मतलब तेज़ आँच नहीं होना चाहिए, धीरे आँच करके इसको धीरे धीरे चला चला के उसको रखना चाहिए, इसमें उबाल नहीं आना चाहिए, और उबाल जहाँ आएगा ना तो ये फट जाएगा। तो हम धीरे धीरे करके इसको बहुत देर से चलाएं, धीरे धीरे ही करके, कितना भी देर हो जाए लेकिन धीरे धीरे ही करके चलाना है उसको, ज़्यादा मतलब तेज़ आँच करके ज़ोर से नहीं चलाना है। तो फिर हम वही कर रहे थे, और जब तक ये सब जो ऊपर में दिख रहा है ब्लैक ब्लैक यानी कि जीरे मिर्च वो सब डूब ना जाए तब तक चलाना है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम आप लोगों से बता दे रहे हैं ऐसे करना चाहिए इसमें। तो होता क्या है ना कि हम लोग बहुत बार जान के भी अनजान रहते हैं, गलती हो जाता है, लेकिन कोशिश करने में होता ही क्या है, एक बार कर ही लेते हैं। तो वही बात है कि हम अभी कर ही रहे थे, देख सकते हैं आप लोग, मतलब उसी तरह से कर रहे थे जैसे होता है। और अभी आ गया था मूढ़ी ना, तो मूढ़ी को हम डालने शुरू कर दिए थे, इस वजह से छोड़ दिए थे, लेकिन इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये जहाँ छूटा ना ये फटा, मतलब गिट्ठा गिट्ठी या फिर बूंदा बूंदी हो जाएगा। फिर जब हम मूढ़ी डाल लिए तो फिर याद आता है अभी तक तो बरी हम डाल भी नहीं किए, तो फिर हम बरी डालना शुरू कर दिए, बरी डालें, इसके बाद फिर से हम वीडियो को वहाँ से कट कर दिए थे, क्योंकि ना मेरा गिर गया था मोबाइल, और मोबाइल गिर गया था इस वजह से हम नहीं बना पाए। तो ये थोड़ा सा और होगा, इसके बाद हो जाएगा, हम वीडियो रोक दिए थे, मतलब बन ही गया है, 2-3 मिनट और होगा बस हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा भुजिया बना लिए, आलू और ये वाला मतलब खिच्चा खिच्चा पूरा सेम था, तो उसको हम भुजिया ही बना लिए, हल्का सा मसाला डालें लहसुन मिर्च और हल्का सा सूखी मसाला डाल के उसको हम फ्राई कर लिए। तो ये भी खाने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो तो इसी तरह हो जाएगा लेकिन उसके साथ एक भुजिया वगैरह रहता है तो ज़्यादा क्रिस्पी टाइप का लगता है, अच्छा लगता है। और पापड़ छान लिए थे, और क्या हुआ था ना कि ये हम बहुत दिन के बाद बनाए इसीलिए हमसे ऐसा हुआ, नहीं तो ठीक ही बनाते हैं हम। और ये बना लेंगे, इसके बाद फिर हम बउवा लोग को दूध बना के दे देंगे, अभी तक तो दिए नहीं है, तभी से हल्ला कर रहा था। तो मतलब क्या होता है ना कि एक काम में लग जाओ फिर दूसरा काम याद ही नहीं रहता है, और मेरे आउटफिट देख के तो अभी भी हमको हंसी आ रहा है, बिल्कुल भी ख़राब लग रहा है। तो ऐसा होता है कभी कभार, ऐसे मेरे घर में कोई नहीं आता है तो कोई देखता नहीं है। बट एक बात हम आप लोगों से शेयर करना चाहते थे, 2-3 दिन से ही सोच रहे थे शेयर करेंगे, वो कोई सब्सक्राइबर थी, अब सब्सक्राइबर हैं कि नहीं है नहीं पता, लेकिन होंगे तो अच्छी बात है। तो सब्सक्राइबर ही थे जो कोई ब्लॉग में हमसे ये क्वेश्चन किए थे, वो ब्लॉग पे एक ही कमेंट है अभी तक, हमको ये लगता है
तो वही आया था, उनको हम तो रिप्लाई कर दिए थे बट हम सोच रहे थे आप लोगों से भी शेयर करें। उन्होंने ये कमेंट किया था ना कि दीदी आपका ब्लॉग हम कंटिन्यू देख रहे हैं तो 3 रोज़ से, तो हमको देखने के बाद ये पता लगा कि आपके 2 बच्चे हैं, आप घर में अकेले रहते हैं और आप पूरा हैंडल करते हैं घर को, आपके मतलब बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं और आप भी स्टडी करते हैं और सारा काम वगैरह खुद करते हैं, जैसे कि आपका काम वाली भी नहीं आ रही है, ऐसे करके उन्होंने कमेंट किया था। तो हमको लगा कि नहीं कोई तो देखता है इतना, तब ना कमेंट किए हैं, तो खैर कोई नहीं। तो उन्होंने ये पूछा है कि आपको दिक्कत नहीं होती है ऊपर से यूट्यूब पर भी आप आ गए हैं, तो हम उनको बता देते हैं, वैसे तो बता दिए हैं लेकिन फिर भी हम आप उनको हम ये बता देते हैं ऑन कैमरा के सामने कि संघर्ष उन्हीं को चुनता है जिनके पास लड़ने की हिम्मत होती है, ताकत होता है। संघर्ष जो है ना उसी के पास है, भगवान जी, हम लोग भगवान जी की पूजा करते हैं तो भगवान जी उन्हीं के पास देते हैं जिनके पास उसको चाहिए, जो चीज़ उनको चाहिए। और जैसे कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, सभी के पास नहीं होते हैं, सब कोई नहीं सकता है, लेकिन शायद आज भगवान जी को ये लगा कि ये कर पाएगी, ये सब चीज़ कर सकती है, इसी को दो, इसीलिए भगवान जी शायद हमको दिए हैं। तो हम यही बोलते हैं संघर्ष है तो हिम्मत भी है, आज मेरे पास हिम्मत है, नहीं हम कुछ करेंगे, मेरा कुछ लक्ष्य है उसको हम हासिल करेंगे तो ज़रूर ही मतलब होगा। और कोई भी चीज़ से डरना बिल्कुल भी नहीं है, चांस एक बार ज़रूर लेना चाहिए सब चीज़ का, एक बार आजमाना भी चाहिए हर एक चीज़ को, हम आए चाहे नहीं आए, हमको हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, करने में क्या ही जाता है, भगवान 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आँख दिए हैं, कोई चीज़ देखने में, कोई चीज़ करने में, कोई चीज़ लेने में क्यों ही डरे, क्योंकि हम जानते हैं, कोई चीज़ बोलने में भी क्यों डरे, क्योंकि मेरे पास है, हम कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हौसला, हौसला इतना बुलंद रखना चाहिए कि हम लोग को कभी भी कोई चीज़ के पीछे देखकर भागना नहीं चाहिए, अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पता है जब हम YouTube में आए थे तो हमको नहीं लगता था कि ये चीज़ हमसे हो पाएगा, लेकिन कोशिश, एक कोशिश जो होता है ना, चलो एक बार करके देखते हैं क्या ही हो जाता है, एक शॉर्ट्स ही तो अपलोड करना है, वो भी 1 मिनट का होता है, उसमें 2 सेकेंड का, 1 सेकेंड का कुछ भी अपलोड कर दो, ऐसे हम बता दें वो जो शॉर्ट चैनल है मेरा वो ओनली मतलब मिक्सर टाइप का है, कोई एक कंटेंट नहीं है उसमें, जैसे ये जो ब्लॉग है मेरा उसमें हम स्टडी ब्लॉग शेयर करते हैं आप लोगों से, लेकिन जो हम मेरा शॉर्ट चैनल है उसमें मिक्स है, कोई भी मतलब एक कंटेंट नहीं है, तो उसमें हम 2 मिनट का कुछ भी दे दिए, ट्रैवल के दे दिए, रेसिपी दे दिए, स्टडी दे दिए, बुक शेयर कर दिए या फिर डेली हार्डवर्क शेयर कर दिए, कुछ भी शेयर कर देते थे, कहीं का व्यू शेयर कर देते थे, तो ऐसे कर करके उसमें। तो अभी मेरा एडसेंस पिन भी आ गया और कुछ दिनों के बाद पेमेंट भी आ जाएगा। आप लोगों को नहीं पता है शॉर्ट चैनल में थोड़ा सा पेमेंट आने में लेट होता है, क्योंकि शॉर्ट चैनल वायरल तो होता है बट उसमें वॉच टाइम बहुत कम होता है इस वजह से, तो आज नहीं तो कल वो भी आ जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं ना कि ये जो कोई भी चीज़ का हिम्मत और हौसला होता है ना वो बुलंद करके आगे चलना चाहिए ताकि हम ये कर सकते हैं, हमसे क्यों नहीं होगा, सबसे हो सकता है तो हमसे क्यों नहीं होगा, सभी हाउसवाइफ नौकरी ले सकती है, हम क्यों नहीं ले सकते हैं। मानते हैं थोड़ा सा तो कठिन है ही, सफ़र थोड़ा सा कठिन है पर हौसला बनाने में क्या ही चल जाता है, मेरा हौसला बुलंद है, हमको कुछ करना है अपना लाइफ में और हम ये चाहते हैं तो शायद हम ये कर सकेंगे, ऐसा हमको जहाँ तक लगता है कि ये हम कर सकेंगे, लेकिन बहुत ही कंपटीशन है, बहुत ही टफ है करना, लेकिन हारने माने हैं अपने आप को, कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते हैं। अभी हम हाल फिलहाल में सीटेट का एग्ज़ाम दिए, नंबर कम आया बट
नंबर कम आ जाने से क्या होगा, इतना नंबर आया कि अपने राज्य तक ही हम सिलेक्ट हो पाए, अदर राज्य में मतलब नहीं हो पाए। जैसे कि थोड़ा ज़्यादा नंबर आता तो फिर हम जनरल कैटेगरी में भी आते। और ऐसे भी क्या हुआ ना कि मेरा जो कैटेगरी है वो जनरल ही है, इस वजह से हम झारखंड में भी शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन सब बोलता है झारखंड वाले हो तो फिर 82 नंबर में हो जाएगा, लेकिन हमको 90 नंबर चाहिए, उसके लिए हमको इतना लगन की ज़रूरत है। तो हम यही चीज़ देख रहे थे ना, मतलब सभी लोग यही पूछें, हम नंबर बताए तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत तुम्हारे लिए टफ हुआ होगा, तुम्हारा मेहनत बहुत अच्छा था। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि मेरा मेहनत में कहाँ कमी रह गया है, क्या चीज़ का कमी किए थे कि 4 नंबर मेरा नहीं आया है। लेकिन आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा पहले वाला वीडियो सब जाके देखिए, चैनल में अपलोड हुआ है, तो उसमें आप लोगों के साथ हम शेयर किए हैं। इसमें भी हम बता देते हैं कि मेरा इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, इस वजह से हम नंबर नहीं उठा पाए हैं। और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नंबर देखने क्या दिखाने के भी लायक नहीं है और बताने के भी लायक नहीं है, इतना कम नंबर आया है। टाइम नहीं था मेरे पास, फर्स्ट बात, और दूसरा बात ये कि इसी तरह बिना पढ़े लिखे हम उसमें टिक कर दिए थे, इसीलिए तो ऐसा होता है। लेकिन आप लोग शायद हमको इतना देखते हैं, कोई कोई तो देखता है, ज़्यादा व्यू भी नहीं जाता है वीडियो में, तो कोई नहीं, आप लोग देखिए हमको। और कुछ भी जैसे बोलने का होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को रिप्लाई तो ज़रूर देंगे, और हो सकता है तो ऑन कैमरा में भी बताने का कोशिश करेंगे। और एक बात, जो भी स्टडी करती है, हाउसवाइफ हो या फिर गर्ल्स ही हो, तो गर्ल्स के लिए जितना टफ नहीं होता है उतना हाउसवाइफ के लिए टफ होता है, क्योंकि हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती है, तो उसको सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी होता है, बच्चे भी ज़रूरी होते हैं, उनके लिए हस्बैंड भी ज़रूरी होते हैं, उनके लिए काम भी ज़रूरी होता है, सारे चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और जो गर्ल्स होती है उनके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी एक गर्ल्स रह चुके हैं, तो कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है, उसके पास ना बच्चे होते हैं, उनके पास ना काम होती है, वो करे या ना करे घर में मम्मी होगी ही करने के लिए। तो बहुत गर्ल्स लोग का होता है मम्मी नहीं रहती है तो भी वो उतना काम नहीं होता है, अपने लिए उतना काम नहीं होता है जितना हम सबके लिए करके देते हैं। और जो भी फैमिली वाले होते हैं पूरा सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए। और गर्ल्स लोग तो ये भाग्य में नहीं है, आप लोग का किस्मत इतना अच्छा है कि आप लोगों को अदर जगह भेज के आप लोग का पेरेंट्स पढ़ने के लिए देते हैं, बट हम लोग का ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ज़िंदगी क्या है, एक मेरिड हाउसवाइफ का लाइफ क्या होता है, दो बच्चे के साथ पढ़ना, डेली हार्डवर्क करना, अपने लिए टाइम निकालना, उसमें भी बच्चे को पढ़ाना। लेकिन बच्चे पढ़ेंगे तब तो अपना समय नहीं अपने लिए पढ़ने बैठना, बट अपना समय सारा निकाल के बच्चे को ही दे देना, उसमें भी कोई बदमाशी करेगा, कोई खेलेगा कूदेगा, इसमें हमको मतलब बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम आप लोगों से बता देते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई का जो मौका मिला है ना वो कभी चुकने मत दीजिए, पूरा पढ़िए। पढ़ाई ही नहीं तो कुछ भी नहीं, लाइफ में कुछ भी करना है तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद हमको ये मौका मिलता, हम ये अपना किस्मत को ही दोष देंगे कि हमको ये मौका नहीं मिला है पढ़ने के लिए, और हम शादी के बाद अभी तक पढ़ाई कंटिन्यू रखे हैं, और अभी तक भी मेरा डिग्री और कोई नौकरी वगैरह नहीं लगा है, लेकिन हम बहुत जल्दी नौकरी भी लेंगे, ये अपने आप से हम प्रॉमिस किए हैं। आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी हौसला बुलंद रखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा यदि हौसला मजबूत होगा तो। हिम्मत रखिए खुद में खुद, हारिएगा कभी भी नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वो चीज़ को सुधारने का ज़रूर कोशिश करेंगे। और यदि बोलने में कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। अपने नए विचारों नए शब्दों के साथ मिलते हैं कल का ब्लॉग में, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आप लोग।